आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। हम इसके लिए पहले तो दो हम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो इस तरीके से लगता है। यहाँ हमारा एक लेंस पीस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस पीस, ठीक है। यहाँ हमारा दूसरा लेंस पीस हो गया, ठीक है। अब ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया दोनों लेंसेस का, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा बी ए है, ठीक है। यहाँ से जो रेज है हमारी, इधर से स्ट्राइक करती हैं इस तरीके से, ये ऐसे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके इधर आती हैं, ठीक है। एंड देन ये हमारी इस तरीके से इमर्ज होती है। सिमिलरली हमारा जो ये दूसरा रे है, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता है, और वो हमारा ये जो दोनों हैं हमारे, ये जो रेज जाएंगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से जो पास हो रही है, वो हमारी दोनों कट करेंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद, और ये रे हमारी इस तरीके से मूव होंगी, ठीक है। फिर यहाँ जो हमारी इमेज बनेगी, ये हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, यानी कि ए प्राइम बी प्राइम ऐसे। यहाँ से जो है हमारा एक और डिफ्लेक्शन जो क्रिएट हो रहा है इस तरीके से, और ये हमारा सारा जो फोकस हो रहा है, ये हमारा आई पे फोकस हो रहा है ऐसे। फिर ये जो रेज हैं जो हमारी इस तरीके से मूव करनी है, हमारे एरोज हो गए, ये जो एंगल है ये हमारा अल्फ़ा एंगल हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इतना, ये आई और इसके बीच का ये एफ नॉट, ठीक है। और ये आई पी से ये हमारा जो डिस्टेंस है ये यू नॉट, आई पीस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा ये जो एंगल बन रहा है, ये हमारा हो गया बीटा, ठीक है। ये हमारा लेंस एल टू है, ये एल वन है, ठीक है। ये जो सेंटर है ये सी वन है, ठीक है। और यहाँ जो सेंटर है ये हमारा सी टू है, ठीक है। यहाँ से अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा है एफ नॉट प्राइम, और इधर जो पॉइंट जहाँ पे ए बी फॉर्म हुआ है, ये एफ नॉट हो गया। सिमिलरली यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, ये भी हमारा अल्फा ही है। इसे हम अगर इन रेज को एक्सटेंड कर दें, तो ये रेज जो है हमारी इस तरीके से मीट अप होंगी, और ये रेज कुछ इस तरीके से, ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारा बी डबल प्राइम हो गया, तो ये जो है हमारा यहाँ से जो जा रहा है ये ए डबल प्राइम हो गया, ये फॉर्मेशन है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा वी नॉट हो गया, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो है ये हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके आगे अगर अब हम देखें, तो हमारा ये तो लेबल डायग्राम है। अब मैग्निफिकेशन जो होती है वो पावर होती है जो डिफाइंड होती है रेशियो ऑफ एंगल जो सबटेंडेड है फाइनल इमेज का, एंगल जो सबटेंडेड ऑब्जेक्ट का। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा एम इक्वल टू टैन बीटा बाय टैन अल्फ़ा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है बीटा बाय अल्फ़ा के। और जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो हमारी एम से एक और तरीके से डिफाइंड भी होती है, वो होती है माइनस एफ नॉट बाय एफ ई, यानी कि इसको हम ब्रेकअप करके लिख सकते हैं माइनस एफ नॉट बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी, ठीक है। ये भी हो सकता है। अब ये जो वैल्यू जो हमारी आई है, इसकी लिमिटेशंस होती हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की ओवर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पहली लिमिटेशन जो है वो हमारी है, लिमिटेशंस क्या है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, कि जो इमेज होती है वो फ्री नहीं होती फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन या स्फेरिकल एबरेशंस। सो इमेज नॉट फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एंड
स्फेरिकल एबरेशंस, ठीक है। दूसरा जो है हमारा पॉइंट वो है कि अपर्चर जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो लार्ज होना चाहिए फॉर हाई रिजॉल्विंग पावर। तो जो अपर्चर है जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का है वो हमारा लार्ज होना चाहिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए फॉर हाई रिजॉल्विंग पावर। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।